ये हमारा असील मुर्गों का सेटअप है। एक्चुअली ये हमने अपने शौक के लिए बनाए थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये बिज़नेस में तब्दील हो गए। और यकीन करें, हमें बड़ा मज़ा आया मुर्गे पालकर, क्योंकि हमने इससे बहुत सारे पैसे कमाए। करो ना, ये बार बंद का ताला मार शायद अंदर। ये गोल्डन मिस्री है। चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, और बहुत सारे काम हैं जो कैलकुलेशन के अलावा ना दिल गुर्दे से होते हैं। वो हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि माजिद भाई, कैलकुलेशन से और समझदारी से छोटे छोटे काम होते हैं, जो बड़े काम हैं वो पागलपन से होते हैं। अच्छा देखें, ये कुदरत का कानून है, दुनिया का असूल है कि छोटी सोच वाला, महदूद सोच वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो, या ज़िंदगी कोई और मामला हो। महदूद सोच वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, वो तरक्की नहीं कर सकता। जब तक आप दूसरों को आगे नहीं लेके आएंगे, ऊपर नहीं लेके आएंगे, कामयाब नहीं करेंगे, उनके बारे में आप सोचेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा छा तो करे हेडे आज हेडे आज। ये हमारा बड़ा ही लाडला और प्यारा है जी, फतेह खान मल्लट। ये सखर से हैं जी। चलिए छा तो करे खाना तो पियो पानी आ रहा। सफाई कई से ना तो चूना बुना से आयो से मोमबत्ती वहां दुकायो से मोमबत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती अगरबत्ती सॉरी मोमबत्ती और अगरबत्ती अगरबत्ती जबकि खुशबू आ रही होती है। अपने शौक को अपना प्रोफेशन बनाएं। अगर आपका शौक आपको पैसे कमा कर नहीं देता तो ये चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। इस तरह आपका शौक लंबे अरसे तक नहीं चल पाएगा, और फिर आखिरकार मजबूरन आपको अपना शौक छोड़कर पेट पालने के लिए कई मजदूरी करना पड़ेगी। अगर वाकई आप अपने शौक के साथ वफादार हैं तो अपने शौक को अपना कारोबार बनाएं। ये तो इसमें तो बंदा भी इजीली आ जाता है। ये 4x4 का है खुटा, ऊपर से भी उसको कुंडी लगाओ। अच्छा ताला ना लगाना हो तो ये इसके ऊपर वैसे कुंडी लगी हुई है, अगर ताला लगाना हो तो ताला भी लग सकता है, मतलब ताले की जगह अलग। अच्छा अंदर से छत भी मैं दिखा देता हूँ जरा, ये सीमेंटेड टाइलें, इन सब के ऊपर सीमेंटेड टाइल डली हुई है, देखिए आप। अच्छा इसके अलावा, इन मुर्गों के अलावा इसमें और भी कुछ कोई चीज भी रखी जा सकती है, मतलब चार परिंदे वरिंदे रखे जा सकते हैं, खरगोश भी इसमें रखे जा सकते हैं, इवन इसमें कुत्ता भी बंद किया जा सकता है, खुली जगह है मतलब। हाँ ये वैसे ही सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए, मतलब कोई जैसे कोई विजिटर होता है या कोई शौकीन है सफाई कर रहे हैं तो आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये जो दो बड़े खुडे हैं ये कुत्तों के लिए, इनके आगे अभी जाली वाली लगनी है। ये बीच में सेंटर वॉल है जो पार्टीशन है, पार्टीशन की साइडों पे जाली आ जाएगी, मतलब कुत्ता मर्जी से अंदर भी बैठे और बाहर आना चाहे तो बाहर जाली का केज होगा, उसमें भी घूम सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। ये असील मुर्गों का सेटअप हमारे गोट फार्म पे है। एक्चुअली कज़न है इकरार, उन्हें शौक़ था, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक़ बिज़नेस कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया, और हमें बड़ा मज़ा आया क्योंकि हमने इससे अच्छे खासे पैसे कमाए। ये भी एक मुकम्मल पेशा है, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं या दूसरे पेशे हैं, बिल्कुल इसी तरह मुर्ग पालना भी एक पेशा है, ये भी एक इंडस्ट्री है। मगर अफसोस ये वेले बंदों के हाथ चढ़ गया है, लोग इससे पैसे कमाने की बजाय पैसे गंवा रहे हैं। लोग कहते हैं शौक़ का कोई मूल नहीं, मगर मैं कहता हूँ अगर आपका शौक़ आपको फ़ायदा मुनाफा ना दे तो उस बंदे का भी कोई मूल नहीं, वो टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। अपने शौक़ को अपना बिज़नेस बनाएं, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं, ताकि आप और आपका शौक़ आगे बढ़ सके, लंबे अरसे के लिए चल सके। अगर आपका शौक़ आपको पैसे कमा कर नहीं देता तो फिर ये चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है, ये आगे नहीं चल सकेगा। आपको शौक़ छोड़कर जीने के लिए कहीं काम करना पड़ेगा, कहीं मजदूरी करनी पड़ेगी। सो अगर आप अपने शौक़ के साथ वाकई वफादार हैं तो इसे अपना बिज़नेस बनाएं, ताकि इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी इम्प्रूव हो और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर हो, क्योंकि शौक़ के साथ साथ जीने के लिए पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। मैंने ऐसे बहुत सारे शौकीनों के बुरे हालात देखे हैं, जो सिर्फ अपने शौक़ को पाल रहे हैं, पैसे नहीं कमा रहे, इनसे इनके घर वाले भी तंग होते हैं, गाँव मोहल्ले इलाके वाले भी उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे होते। आप अपने शौक़ को अपना कारोबार बना के देखें, नाम भी होगा और पैसा भी।
ये देसी है अंडों के लिए, हाँ खाने के लिए। इस मुर्गे का कितना वजन होगा? होगा 5 केजी। तो हलाल करो, ठंड भी है आज। ये कर क्या रहे हैं अभी? ये खुडों की सफाई कराई है इनकी अभी। बूरा वगैरह जो होता है लकड़ी का वेस्ट डालते हैं, गर्म होता है ना। अच्छा, ताकि गर्म रहे ये डाला है, वो लकड़ी का वेस्ट है। लकड़ी का वेस्ट और चूना जो है ये कहाँ, ये आरे वारे से लिए? आरे से मिल जाता है, सस्ता भी मिल जाता है। ये तो इसमें तो बंदा भी इजीली आ जाता है। ये 4x4 का खुडा। हाँ जी, 4x4। इसमें मतलब एक असील मुर्गा साथ 4 से 5 मुर्गियां रह सकती हैं इजीली। इससे 7-8 भी रह सकती हैं। 7-8 भी रह सकती हैं, माशाल्लाह बड़ा है खुडे। नीचे पहले वैसे मट्टी डली हुई है, मट्टी डली है, उसमें अभी चूना चूना भी पर लगाया सारा। मुर्गे वर्गे सारे अभी बाहर निकाले? मुर्गे अभी बाहर है सफाई के लिए। करोना ये बार बंद कर, ताला मार शायद अंदर। ये गोल्डन मिस्री है। चल छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। है ये शामू गुजर वाला कोई नवी नस्ल है? है तो सामना, शर्माउंदा क्यों है? ਸਰਗੋ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਜੋ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਔਰ ਬੀਚ ਮੇਂ ਜਾਲੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਸੇ ਕੁੰਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਯੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਓ ਉੱਪਰ ਸੇ ਵੀ ਉਸਕੋ ਕੁੰਡੀ ਲਗਾਓ ਅੱਛਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਗਾਨਾ ਹੋ ਤੋ ਯੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਵੈਸੇ ਕੁੰਡੀ ਲਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾਨਾ ਹੋ ਤੋ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤਾਲੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਤਾਲਾ ਲਗਾਓ ਜ਼ਰਾ क्या बता रहे थे कि 24 खुडे हैं ये? 24 है ये सारे। कितने में तैयार हुए? 2.5-3 लाख में? 3.75-3 लाख लग गया था। 3.75-3 लाख टोटल। हाँ 4x4 है। 14 इधर है और 10 इधर है, 24 है टोटल। अच्छा, इसके अलावा, इन मुर्गों के अलावा इसमें और भी कुछ कोई चीज भी रखी जा सकती है? मतलब परिंदे वरिंदे रखे जा सकते हैं, खरगोश भी इसमें रखे जा सकते हैं, इवन इसमें कुत्ता भी बंद किया जा सकता है। खुली जगह है मतलब। हाँ तो मल्टीपर्पज है, बड़े बनाने से थोड़ा फायदा ये हो गया। मुर्गों का तो छोटे में चल जाता, मतलब फिर वो बंदा बाउंड हो जाता है, एक ही काम हो सकता है, इन पे डिफरेंट काम किए जा सकते हैं। और ये जो दो बड़े खुडे हैं ये कुत्तों के लिए, इनके आगे अभी जाली वाली लगनी है। ये बीच में सेंटर वॉल है जो पार्टीशन है, पार्टीशन की साइडों पे जाली आ जाएगी, मतलब कुत्ता मर्जी से अंदर भी बैठे और बाहर आना चाहे तो बाहर जाली का केज होगा, उसमें भी घूम सकता है। ये दोनों कुत्तों के हो गए जी। ऊपर से छत इनका कंक्रीट है, सारा कंक्रीट है। अच्छा, अंदर से छत भी मैं दिखा देता हूँ जरा। ये सीमेंटेड टाइलें, इन सब के ऊपर सीमेंटेड टाइल डली हुई है, देखिए आप। ये सारी ऊपर सीमेंटेड टाइल्स, तीन तीन टाइलें एक के ऊपर डली हुई, मतलब ये है 5 फुट लेंथ है एक टाइल की और 1.5 फुट चौड़ी है, तीन टाइलें। तो ये 4x मतलब 4.75x 4.5 क्या तकरीबन ये, क्योंकि साइडों से ब्लॉक के ऊपर भी आ गई ना। बिल्कुल। और ऊपर से छत इसका पक्का कंक्रीट है। अभी सर्दियों में ये ऊपर तरपाल डाला हुआ है, ये तरपाल नीचे हो जाता है रात में। ये तरपाल ऐसा है इसमें से हवा नहीं गुजर सकती, गर्म होता है अंदर। ये शाम में या ठंड की सूरत में इसका फ्रंट तरपाल के साथ कवर कर देते हैं ताकि अंदर से ये गर्म रहे।
लड़ाते बढ़ाते हैं या नहीं मुर्गे? मैंने लड़ाने वाला शौक नहीं है, बस रखने वाला, बस खाली रखने के। चलें ये गुड हो गया, क्योंकि लड़ाना बड़ा सख्त गुनाह है और जुल्म है। माशाल्लाह बहुत प्यारी मुर्गी है जी। ये ताले लगाने का क्या पर्पज है, मतलब चोरी होते हैं या क्या है? चोरी भी होते हैं वैसे ही, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए। मतलब कोई जैसे कोई विजिटर होता है या कोई शौकीन है, वो निकाल के हाथ में पकड़ के ना देखे, बीमारी लग जाती, बीमारी लग जाती, इस वजह से ताले लगा के रखे हैं। अभी कुछ खुले हुए ताले दाने पानी के लिए, दाने पानी के लिए, और इनकी अभी सफाई कारण को आगे पीछे शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें नीचे रेत डाली हुई है? जी जी, रेत। ये भी गर्मियों के थे ना, इनमें बड़ी प्यारी मुर्गी है। और इसके दो मुर्गों की तरह है कील भी। जी जी, ये कौन सी नस्ल है जी? अमरोहा मिक्स है, अमरोहा। अच्छा, ये जितनी मतलब अच्छी फेमस नस्लें ये मियाँ वाली की है? मियाँ वाली की, लासानी हो गई, अमरोहा हो गया, अमरोहा लासानी हो गया। ये लोग ज्यादातर जो है ना वो फाइटर ब्लड लाइन पसंद करते हैं ना, मतलब बेसिकली जो ज्यादा शौक लोग करते हैं इसका, वो खूबसूरती के लिए या लड़ाई के लिए? लड़ाई के लिए ज्यादा, लड़ाई के लिए। यार ये तो गलत बात है, लड़ाने तो नहीं चाहिए। कितने प्यारे परिंदे हैं माशाल्लाह, और लड़ा के जुल्म है, किसी की आंख जाया हो जाएगी, जख्मी हो जाएंगे। मतलब कस्टमर आप कहते हैं दोनों टाइप का है, खूबसूरती के हिसाब से रखने वाला भी और फाइटर फाइटिंग के लिए भी, खूबसूरती वाले भी हैं, एज अ बिजनेस जो इसको चलाते हैं वो भी हैं। अब तो ये भी बड़ी इंडस्ट्री बन गई, शामूज और ये वो, बाहर से भी बड़ी नस्लों के मुर्गे वर्गे आना स्टार्ट हो गए। मगर आज वो प्योरली खूबसूरती के हवाले से, फाइट के लिए वो इतने कुछ खास नहीं है शायद। फाइट के जो है ना वो मियाँ वाली साइड के हो गए, या जिधर हमारी जो पाकिस्तान है ना, इसमें अच्छी जो कस्टमर हैं या मतलब शौकीन हैं, उनका क्या फीडबैक है? मतलब शामू किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा लोग पसंद करते या रखते हैं? शामू का मुझे तो आज तक नहीं पता चला, उनका बड़ा कद ना, उनकी इतनी मतलब अच्छी खूबसूरती, उनके कुंडल से बाल होते हैं तो मतलब प्रॉपर कुरीज भी नहीं होती उनकी, तो मुझे तो आज मतलब वो नंगे नंगे लगते हैं, नंगे नंगे मुझे तो उनको वो नहीं अच्छे लगते। वैसे भी जो मियाँ वाली हैं मुर्गा, आप जहाँ भी देखें ना, कद में थोड़ा छोटा होगा, वेट में भी हल्का होगा और खूबसूरत होगा, उसकी दुम जो है जमीन पर लग रही होगी। मतलब वो ट्रेंड बन गया है बिल्कुल। एक्चुअली उन्हें ना लोग बड़े अच्छे से तरीके से गोरे या वो प्रमोट कर रहे हैं बिल्कुल। हमारी इन ब्रीड को प्रमोट कोई नहीं करता, हम खुद उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं, तो दूसरा बंदा इन्हें कहाँ से लेगा जब हम खुद नहीं रखेंगे। हालांकि ये इनके फाइट तो करवानी नहीं चाहिए, वरना फाइट भी इनकी फाइट है, ये बड़े अच्छे हैं, गुस्से वाली ब्रीड है और खूबसूरत बड़े हैं। शामू से अगर कंपेयर करें ना तो ये नहायत खूबसूरत है, मगर वही बात है ये है ना, जो बंदों ने जिन रखी हुई जिनके पास पुरानी ब्रीड है, वो अपने घर की नस्ल मतलब दूसरे के पास नहीं जाने देते जो शिकारी हैं। अच्छा जी जी, तो ये तो जाने देनी चाहिए, इससे नस्ल फैलेगी। अच्छा, फैलने नहीं देते ये, फैलेगी तो अच्छा है ना, इजी अवेलेबल होंगे, कीमतें भी कम होंगी। है ना भाई, मेरी नस्ल है तो आगे किसी पास अच्छी चीज ना चली जाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, नस्ल तो मुर्गे की होती है, बंदे की थोड़ी होती है। ये तो गलत करते हैं कि मेरी नस्ल है, उन्होंने ऐसे ही होता है ना भाई, मेरी घर की ब्रीड है ये। अच्छा, कोई भी काम है ना, जितना आप उसे फैलाएंगे ना, बढ़ाएंगे, उतना आपको खुद फायदा होगा। अगर आप उसे लिमिटेड रखेंगे ना, आपके माइंड में ये है कि कोई और इस बिजनेस में ना आए, मैं ही करता रहूं, वो काम ज्यादा नहीं चल पाता। जब तक आपके पड़ोसी, आपके साथ वाले इलाके, शहर वाले, मुल्क वाले, ज्यादा बंदे जितने इन्वॉल्व होंगे ना, उतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी और उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको भी होगा। मगर ये बस छोटी सोच ले लें कि हम समझते हैं जो हम काम करें वो दूसरा कोई ना करे, इससे हमें ज्यादा फायदा होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, वो इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। अब इसको बढ़ाए ना मुल्क में, एक तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, शौक बढ़ेगा, ज्यादा लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे, और उसके अलावा फिर बाहर के मुल्कों में आप जा सकते हैं। आप बाकी दुनिया तक तब भी जाएंगे ना जब आपकी जरूरत से ज्यादा चीज हो। हम कोई भी चीज है, सब्जी है, फल फ्रूट है, जानवर है, कोई भी है, हमने उनको महदूद रखा, हमारी अपनी जरूरत के लिए हम पैदा नहीं कर पा रहे, और ये सारी चीजें हम बाहर से ले रहे हैं, खाने पीने की भी लेते हैं, फ्रूट सब्जी दालें तक। अच्छा देखें, ये कुदरत का कानून है, दुनिया का असूल है कि छोटी सोच वाला, महदूद सोच वाला इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो, या जिंदगी कोई और मामलात हो, महदूद सोच वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता, वो तरक्की नहीं कर सकता। जब तक आप दूसरों को आगे नहीं लेके आएंगे, ऊपर नहीं लेके आएंगे, कामयाब नहीं करेंगे, उनके बारे में आप सोचेंगे नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज़ हमें समझ नहीं आती, और बहुत सारे काम हैं जो कैलकुलेशन के अलावा ना
दिल गुर्दे से होते हैं। वो हमारा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, वो हमेशा कहता है कि माजिद भाई कैलकुलेशन से और समझदारी से छोटे छोटे काम होते हैं, जो बड़े काम है वो पागलपन से होते हैं, जुनून से होते हैं ना, हिम्मत चाहिए। और एक लिहाज से वो कहते भी सही हैं, ज़्यादा समझ बूझ जो है ना और ज़्यादा कैलकुलेशन वो इंसान को बोझिल बना देती है। पूरे से दिमाग का बंदा वो चुप करके कर देता है, वो ज़्यादा सोचता नहीं और कामयाब भी हो जाता है, बस उसमें लगन और हिम्मत होती है। एक्चुअली एजुकेशन या समझ बूझ का मकसद तो ये है कि इंसान को हर चीज़ का पता हो, वो अच्छे से डिसीजन कर सके, अपने फैसले अच्छे कर सके। मगर हमारे यहाँ उल्टा है, जितना पढ़ा लिखा होगा उतना बुज़दिल होगा, वो डिसीजन ही ले सकेगा। हालांकि एजुकेशन का मकसद यही है कि इंसान फैसले अच्छे से कर सके, वो अच्छे बुरे को, हर चीज़ को, दुनियादारी को समझता है। मगर हमारे यहाँ जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही बुज़दिल होगा, वो पहले जो नुकसान हैं उनकी लिस्ट जो है ना, इंसान को डराने वाली चीज़ें उनकी लिस्ट तैयार कर लेगा। लेकिन कारोबार ऐसा है कि जिसमें 10% कामयाबी के चांस हो, 90 नुकसान के हो, अगर बंदा हिम्मत पकड़ ले तो वो कर जाता है।